जी लेक्चर 44 स्टार्ट करें। अच्छा ये कल किताब के पेज 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया था, उम्मीद है आप हजरात ने किया होगा और हो भी गया होगा, तो उसी जैसा सवाल आज हमने एक रिवाइज करना है। IAS 12 के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस निकाल लें, और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं वो अगर कोई यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, और पोर्टल के ऊपर जो लेक्चर जिस तरतीब से चल रहे हैं उसी तरतीब से लेते रहिएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 272। ओके अच्छा जी, हमारी बात चल रही थी रिवैल्यूएशन के ऊपर, और किधर है IAS 12 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। ये सवाल आ जाओ बैठो बैठे बैठे बैठे, ये सवाल ऑलमोस्ट कल वाला ही है। शहजाद टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर 500 मिलियन रकम जुलाई 2010 पेज नंबर 272। द प्लांट हैज अ लाइफ ऑफ 10 इयर्स, हम यूज करते हैं पीपी को सब्सिक्वेंटली रिवेल्यूशन मॉडल पर रखना, और हम नेट रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, यानी नेट रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब लिख लें, एंट्री जो हम करते हैं अकमुलेटेड एब्सेंट डेबिट एसेट क्रेडिट, यानी वार्म अप वाली एंट्री। द डिटेल्स ऑफ रिवेल्यूशन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलोस, रिवेल्यूशन डेट आ रही है, कल वाला ही सवाल है, तो 630 है 320 है, एक फिगर से चेंज है, यहाँ कल 600 थी मेरे ख्याल से 560 है, तो कल वाला सवाल ही ऑलमोस्ट एक फिगर चेंज है, लेकिन यार ये कल वाला सवाल नहीं है, ये दो लाइनें नहीं डली हुई है इसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज, फॉर ईच ईयर इज 200 मिलियन, जितने भी साल हैं उन सबका प्रॉफिट 200 मिलियन है। टैक्स रेट इज, द टैक्स अथॉरिटीज अलाउड डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ, टैक्स वाले अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम करेंगे, WDV लिख लें स्ट्रेट लाइन मेथड, टैक्स अथॉरिटीज अलाउड डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो टैक्स वाले स्ट्रेट लाइन बेस पर डेप्रिशिएट करने दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट को छोड़ें। अब हमने रिवैल्यूएशन की जो है वर्किंग्स बनानी है, तो लेट स्टार्ट, कल की तरह सवाल शुरू करते हैं, फिर टैक्स रेट्स का इंपैक्ट जहां आएगा वो देखेंगे। जी यकम जुलाई 2010 कॉस्ट 500। मोहतरमा एक मिनट, इधर ना डिस्क्रिप्शन का कॉलम बेशक छोटा सा अब ज्यादा कम कर लें, बेशक इधर आज जो है ना दो कॉलम आगे और डालने हैं, कल तो हमारा कॉलम था ना रिवेल्यूशन सरप्लस और PNL, आज दो कॉलम हमारे और डालने हैं। ओके तो दो कॉलम और हम डालेंगे जिसमें फिगर्स आएंगी, सवाल का डाटा वही है, 2 से 3 मिनट लगाते हैं, जरा कल वाली रिवीजन कर लेते हैं। तो 500 मिलियन यकम जुलाई 2010 को हमारे एसेट की प्राइस है, 30 जून 2011 हमारे साल का एंड होगा, जब 30 जून 2011 हमारे साल का एंड होगा तो साल के एंड पे खड़े होकर हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। जी बोले 500 डिवाइडेड बाय 10 डेट कम्स टू 50, 30 जून 2011 जी, व्हाट इज WDV 450। ओके अब अगला साल मैं शुरू करने लगा हूं और डिफरेंट मार्कर से, तो यकम जुलाई 2011 को मैं एसेट रिवैल्यू करूंगा, 30 जून 2011 मेरा साल एंड हो गया, एक दिन बाद अगला साल शुरू हो जाएगा, यकम जुलाई 2011 का एसेट रिवैल्यू करूंगा 630 मिलियन पे। तो मोहतरम WDV या BV व्हाटएवर यू मे कॉल इट, बीवी कहां पे चली गई? आसमानों पे। क्या प्राइस से जी, किस प्राइस से किस प्राइस पे WDV 630। तो बताएं जी यकम जुलाई 11
रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 450 वाली चीज कितने पे चली गई 630 पे, तो कितना बेनिफिट आया 180 का। ये खुशी आई है, इस खुशी को पीएनएल में ले जाएं या अनरियलाइज्ड खुशी है, तो इस खुशी को आप ले जाएं ओसीआई में यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कितना हो गया जी 180। ओके, अच्छा वापस रात ने 10-15 मिनट जो है वो अटेंटिव रहना है क्योंकि हमारी एक डिस्कशन शुरू होने लगी है अब आगे रिवैल्यूएशन के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, रिवैल्यूएशन के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। उससे पहले आजें फर्स्ट रो में, आजें फर्स्ट रो में आजें। उससे पहले जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। ईयर एंड बोले पहला कौन सा है 30 जून 11। अच्छा पता नहीं वैसे मेरा दिल चाह रहा है एक मिनट की ब्रेक ले ले और जो कल वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया था उसकी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज जो है ना जबानी तरह याद करनी है। कल होमवर्क वाला सवाल अच्छा मोहतरम, कल जो मैंने होमवर्क में सवाल दिया था, अगर ऑनलाइन वालों के पास ये सवाल नहीं था, किसी तरह बुक नहीं है, तो बेशक इस सवाल की क्वेश्चन वन दिया था। yes, इस सवाल की तस्वीर खींच लें और सवाल नोट करें और सॉल्व करें, फिर उसके बाद ये डिस्कशन रिज्यूम करें। अच्छा जी, क्वेश्चन वन, 1 जनवरी 2001 ऐसा कितने का खरीदा हमने 1 लाख का। ऐसा कितने का खरीदा है, अब जरा जगह बनानी पड़ेगी फोर्थ रो में। अच्छा 1 लाख का हमने एसेट खरीदा, ये एसेट दूसरे साल के पहले दिन कितने का हो गया 180, फिर गिर के कितने का रह गया, फिर कितने का रह गया और फिर कितने का हो गया 120। तो मोहतरम ये चार फिगर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 180, 60, 77 और 120। और मैं आपके सामने बराह रास्त सोल्यूशन खोल रहा हूँ और मुझे क्लास में कोई ऐसा बच्चा चाहिए होगा जो कि फौरन इसकी जनरल एंट्रीज जो है वो मुझे बताएगा ये सारे डायग्राम देख के। अच्छा जी जरा ठीक है, जरा अटेंटिव रहिएगा। खरीदा कितने का 1 लाख का। एक मिनट, 1 जनवरी 2 को महंगा होके कितने का हो गया, ये 180 सवाल से उठाया है भाई, उधर ना देखें ना, वाइट बोर्ड की तरफ स्क्रीन की तरफ देखें इस वक्त। अच्छा फिर 1 जनवरी 3 को महंगा होके 60 का हो गया, फिर 1 जनवरी 4 को महंगा होके 77,000 का हो गया, फिर 1 जनवरी 5 को महंगा या सस्ता जो भी हो रहा है मादरत कितने का हो गया 120 का। ये डाटा हमने कहां से उठाया है, सवाल से। ये डाटा हमने कहां से उठाया है, सवाल से उठाया है। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज करना। पहले मैं एक दफा बता देता हूं, 1 जनवरी 2001, अब जिन्होंने नहीं भी होमवर्क किया दे शुड फील कंफर्टेबल, 1 जनवरी 2001 को एसेट खरीदा एस या प्लान डेबिट कैश क्रेडिट। ये सवाल है हमारे, तो 1 जनवरी 1 को प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, भाई ऊपर देखे इस वक्त होमवर्क के सवाल की एंट्रीज रिवाइज करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कम रिडक्शन क्रेडिट, ये दो एंट्रीज होके हमारा सवाल खत्म, यहां पर पहला साल खत्म। अब जब अगला साल आएगा तो अगले साल ये बन रही है, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करने लगा हूं, ये बन रही है मेरी रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री। ये जो रिवैल्यूएशन की मेरी जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री मोहतरम इस तरह नहीं होगी, इससे पहले एसेट को नेट बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। इसलिए यहां पे खड़े होकर सोचें दूसरे साल के पहले दिन कि आज तक एसेट सिर्फ कितना डेप्रिशिएट हुआ है 10,000, तो इससे पहले एक हवाई एंट्री होगी, अब वो वक्त लेदर है, इससे पहले एक हवाई एंट्री होगी दैट इज अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट। ये एंट्री कितने से होगी, ये हवाई एंट्री देखें साया
एक हवाई एंट्री होगी जो मैं नजर नहीं आ रही है, accumulated absent debit, asset credit, plant credit, कितने से? 10,000 से. इसके बाद व्हाइट बोर्ड नोट ना करो. इसके बाद एंट्री होगी प्लांट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस. इसके बाद एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated absent. डेप्रिसिएशन आम हालात में कितनी आ रही थी? अब तो 9 जीएस पे डिवाइड किया ना, पहले 10 पे किया था, 9 पे, 8 पे, 7 पे. अच्छा, लेकिन डेप्रिसिएशन में महंगापन कितना? 10,000. तो सरप्लस खड़ा हुआ है, सरप्लस खड़ा हुआ है, मौजूद है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. क्लियर? ओके, चलें जी आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट जी रिवेल्यूशन हो रही है दोबारा हमारी, लेकिन अब हमारा अगला साल शुरू हो गया. तो अगले साल में जब हम आएंगे तो अगले साल के अंदर आके ये रिवेल्यूशन की एंट्री हो रही है. अब ये जो रिवेल्यूशन की एंट्री हो रही है, जिसे मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये एंट्री करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी आज तक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है. तो जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है वो है 20,000. तो 20,000 की डेप्रिसिएशन को पहले मैंने खत्म करना है. अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट प्लांट क्रेडिट 20,000 से, फिर प्लांट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट और पीएनएल डेबिट. ओके, अब डेप्रिसिएशन आम हालात वाली कितनी, खास हालात वाली? महंगी डेप्रिसिएशन है या कम डेप्रिसिएशन है? कम डेप्रिसिएशन है. तो इसमें महंगापन पड़ा हुआ था 20,000 में 10,000, लेकिन इसमें सस्तापन है 2,500. तो मोहतरम, इसके ऊपर कल मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि इसे आपने लिखा करना है बट एंट्री नहीं करनी. और रीजन शायद कुछ ऐसी शेयर की थी कि डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में पड़ी है, लॉस भी पीएनएल में पड़ा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. बहरहाल इस बहस को छोड़ें और सादा सी बात याद रखें, जब भी लॉस को आप रिवर्स कर रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी, लेकिन इसको शो जरूर करना है. नेक्स्ट, हमारा ये वाला साल अभी चल रहा है और एक एंट्री हमारी रह गई है 7,500 की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकमोडेशन क्रेडिट. अब ये हमारा अगला साल है. अगले साल आ जाएं, ये जो रिवेल्यूशन की एंट्री है इसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, रिवेल्यूशन की एंट्री. इससे पहले कि मैं रिवेल्यू करूं एसेट को और 77 पे लेके जाऊं, मुझे पहले वार्म अप की एंट्री करनी चाहिए. डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस वक्त ये पड़ी है अकमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 7,500, एस प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमोडेशन क्रेडिट. अब इस डेप्रिसिएशन में 1,000 की ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है बनिस्बत नॉर्मल डेप्रिसिएशन के, तो जो 1,000 की ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी. एंड इन द एंड आखिरी साल मेरी रिवेल्यूशन आ रही है, तो रिवेल्यूशन के लिए रिवेल्यूशन सरप्लस जहां जहां आया उसे ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है. अकमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 11,000 से और प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट. एंड इन द एंड डेप्रिसिएशन डेबिट अकमोडेशन क्रेडिट. असल में ना इस सवाल में देखें क्या था, 6,000 का सरप्लस जो है वो पड़ा हुआ था और 60,000 टोटल आ गया था. अब जब 6,000 का सरप्लस पड़ा हुआ है, 60,000 जो है वो टोटल आ गया है, तो बैलेंसिंग कितना आ गया? 54. तो 54 इसमें ऐड हो गया था. क्लियर? ओके, तो इन द एंड बल्कि 60 इस तरह आया होगा ना कि आपने ये 54 किस तरह आया होगा, ये बैलेंसिंग आया होगा 54, इस 54 को आपने यहां लिखा होगा और इधर भी एज इट लिख दिया होगा. अब 6 का ब्रॉड डाउन सरप्लस पड़ा हुआ है और सरप्लस आया 54, टोटल सरप्लस कितना हो गया? और इन द एंड डेप्रिसिएशन डेबिट अकमोडेशन क्रेडिट और सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. ओके, चलें जी, बस ठीक है, बस एक दफा मैं ही इंटरेस्ट बता देता हूं. पहला साल प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 1,00,000, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमोडेशन क्रेडिट 10,000. पहला साल खत्म. जब भी रिवेल्यू करना है, ग्रीन लाइन से रिवेल्यूशन आ रही है, जब भी रिवेल्यू करना है तो रिवेल्यूशन से पहले वार्म अप करना है. अकमुलेटेड एब्सेंट डेबिट एसेट क्रेडिट 10,000, प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट 90,000, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेशन क्रेडिट 20,000, महंगापन पड़ा है इसलिए रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. इससे पहले कि मैं अगला साल शुरू हो चुका है रिवेल्यू करूं एसेट को, अकमुलेटेड एब्सेंट 20,000 की पड़ी हुई है, अकमुलेटेड एब्सेंट डेबिट एसेट क्रेडिट 20,000 और एसेट या प्लांट क्रेडिट सरप्लस डेबिट पीएनएल डेबिट. अब ये जो पीएनएल वाले को उल्टाना है, इसको शो करना है, इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई महंगा पानी पड़ा हुआ, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, इंक्रीमेंटल मीन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, बल्कि उल्टी कम डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. और इन द एंड अब अगला साल शुरू हो गया, तो इससे पहले कि मैं रिवेल्यूशन करूं, वार्म अप की एंट्री होगी, अकाउंटेड डेप्रिसिएशन डेबिट
एसेट क्रेडिट कितने से? 7000 से, 7500 से. और प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट पीएनएल क्रेडिट. पीएनएल क्रेडिट डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट. लेकिन जब भी डेप्रिसिएशन में ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो, 1000 रुपए की डेप्रिसिएशन ज्यादा पड़ी है, तो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट. और आखिरी साल फिर एसेट रिवैल्यू हो गया, तो अकाउंट डेप्रिसिएशन में 11000 पड़ा है, अकाउंट डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, और प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और इधर डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट. ये जो ग्रीन में मैंने आपको हाईलाइट करके दी है ना चीजें, ये हिट होती है ओसीआई में, ये जो ग्रीन में सारी नजर आ रही हैं. और ये जो सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट है ना, ये ओसीआई में हिट नहीं होता. ये कल थोड़ी सी आपसे बात की थी जो फाइनल अकाउंट के अंदर इंशाल्लाह जाके तफसील से होगी. तो ये जो ग्रीन में आपके सामने हाईलाइटेड है ना चीजें, इनमें क्या हिट होता है? ओसीआई. एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ये सारी चीजें ओसीआई के अंदर जाती हैं. क्लियर? ओके, आपको इंटरेस्ट बता दे जरा, एक मिनट लगा के. हाँ जी, आप खड़े हो जाएं, चलिए बैठ के बता दें. हाँ बोले, बैठ जाएं, हाँ बोलते हैं, बैठ जाएं, बैठ के बोले, आगे बोले. हाँ जी, डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से? 10,000 से. आगे? नहीं नहीं नहीं, आप बस एंट्रीज बताओ. रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, प्लांट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, प्लांट डेबिट. नहीं 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 नहीं, पहले वार्म अप की एंट्री. अकाउंटेशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से? 20,000 से. और उसके बाद प्लांट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट. पहले वार्म अप की एंट्री करनी है. अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, प्लांट डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्युमुलेशन डेबिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. फॉर्म ऑफ एंट्री 11,000 से. अक्युमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 11,000 से. प्लांट डेबिट सरप्लस, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्युमुलेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. ठीक है, दो मिनट और ले लें, आपस में एक दूसरे को जरा एंट्री से जबानी बता दें. एक मिनट आपके पास है, एक मिनट अगले के पास है, एक मिनट बाद से रोक दीजिएगा. ऑनलाइन वाले भी किताब से बातें करें. जल्दी जल्दी साथ वाले को, आप इधर हो ना, आप इधर हो, ये तो पहले ही नहीं होगा भाई. किसी को अकेला ना छोड़े अपनी रो में. तीन तीन की जोड़ियां बना लें, जोड़ियां तीन तीन की बना लें, जल्दी करें, जैसे भी करें. अगर कोई अकेला रह गया, ऐसी ऐसी रोज हैं, कोने वाला अलग बैठे, कोने वाला अलग बैठे, बाकी सारे लगे हुए हैं. बाकी उस रो में मैनेज हो सकता है. कसम खाई हुई है, साथ वाले से बात नहीं करनी. दो दो अकेले भी बैठे हुए हैं, दो दो अकेले बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, कसम खाई हुई है. पेज 272 पे वापस आ जाए, पेज नंबर 272 पे वापस आ जाए और हमारे वाला सवाल शुरू करें. ये अच्छा, ये ना एंट्रीज को जरा इस तरह फिंगर टिप्स पे लाने, आपने इस तरह रिवीजन करके. क्वेश्चन नंबर 21, बड़ी फिंगर टिप्स पे हो एंट्रीज. ये क्वेश्चन नंबर 21, आज ही FAR 2 वाली बात होने लगी है, कल तक FAR 1 वाली बात थी.
वो बात जब मैं शुरू करने लगूंगा तब मैं आपको अटेंटिव कर लूंगा। फिलहाल मुझे नॉर्मल सी एंट्रीज बता दें जो इधर करनी है। प्लान डेबिट कितने से? जी आगे 30 से। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन कितने से? 50 से। मोहतरम, दो एंट्रीज की जगह छोड़नी है 30/11 के साल में। 30/11 के साल में दो एंट्रीज की जगह छोड़नी है। कौन सी? एक सीटी की, एक डीटी की। एक करंट टैक्स एक्सपेंस की एंट्री होगी, एक डेफर टैक्स एक्सपेंस की। किस साल? 30/2011। क्यों एंट्रीज होंगी? क्योंकि प्रॉफिट्स भी गिवन है और टैक्स रेट भी गिवन है, तो इसलिए दो एंट्रीज की जगह छोड़ते पहले साल। किस किस की? सीटी की और डीटी की। 30/11 एक सीटी की एंट्री की जगह छोड़ा मैं और एक डेफर टैक्स एक्सपेंस की एंट्री की जगह छोड़ा मैं। अब मैं नया साल शुरू करता हूं आपके सामने, डेट इज बोले ईयर एंड 30/12। चलें अगला साल शुरू करते हैं। आज हमने दो एंट्रीज की जगह छोड़ दी, सीटी और डीटी की। 30/2012 का साल शुरू करने से पहले अब हमारी डिस्कशन एक होने लगी है कि टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रिवेल्यूशन के। अच्छा जी, हवाई एंट्री करनी है करवा दें, वो भी मेरा इस वक्त बहस का मरकज नहीं है। 1 जुलाई 2011 को जो आपको एंट्री इस वक्त चढ़ी हुई है डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 50 से नहीं, खैर है इधर, खैर है अकोमोडेशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। अच्छा जी, इधर अब मोहतरम आपने देखना है कि हमने रिवेल्यूशन के साथ क्या सलूक करना है और इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आपने मुझे बताना है। एसेट डेबिट और रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट। अब अगर मैं आपके सामने, हमारा पहला साल है 30/11, बोले कौन सा 11, हमारा पहला साल है 30/11। अगर 30/11 के साल का मैं आपके सामने SOCI बनाऊं तो SOCI कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, दैट इज P&L एंड नंबर 2 OCI। तो सेल से चलें, चलते चलते मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मैं लेस करूंगा करंट टैक्स और डेफर टैक्स। अच्छा मुझे ये बता दें कि सेल से चलते चलते मेरा PBT एग्जैक्ट यहाँ आएगा, ठीक है PBT यहाँ आएगा। तो 30/11 का PBT, 30/11 के साल का PBT कितना है? 200 मिलियन। और पता नहीं उधर देखे जा रहे हैं, मैं इधर करा रहा हूँ आप लोग उधर देख रहे होते हैं, मैं उधर आता हूँ आप इधर होते हैं। अच्छा 30/11 का PBT कितना है जी? 200 मिलियन। और इधर देखें 30/11 का PBT कितना है? 200 मिलियन। तो PBT इज 200 मिलियन। करंट टैक्स डेफर टैक्स इसकी जगह छोड़ दी और ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद अगर इसे आप क्लोज ना भी करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, इसके बाद हमारा आता है आपको पता है OCI। OCI को मैं डिफरेंट रेड मार्कर से लिख रहा हूँ और उसमें रिवेल्यूशन सरप्लस को ब्लू मार्कर से। तो OCI एक बिल्कुल डिफरेंट हेडिंग है, ये हमारा P&L है और ये हमारा, इन दोनों को मिला के SOCI कहते हैं। रिवेल्यूशन सरप्लस मेरा आ गया जी 180 का OCI में। इज इट सो और नॉट? रिवेल्यूशन सरप्लस मेरा कितना आ गया? 180 का 30/2011 के साल में। इसकी जनरल एंट्री जरा बता दें, वार्म अप वाली एंट्री छोड़ें, इसकी एंट्री बताएं। ए प्लांट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट, पूरा बोला करें इन OCI क्रेडिट। प्लांट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो ये जो 180 है, ये जो 180 है, ये मेरा कहां चला गया बोले? OCI में। प्लांट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अब ये जो हमारा सरप्लस आया है, इस सरप्लस पे आपकी क्या राय है? टैक्स वाले टैक्स मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, आज इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इस हम पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बैठे बैठे ना हमारा एसेट महंगा हो गया, तो टैक्स वालों को हमने कहा यार हमारा एसेट पड़े पड़े महंगा हो गया है, तो टैक्स वाले इस सरप्लस पे टैक्स मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। याद रखिएगा, टैक्स वाले सिर्फ एसेट के ऊपर टैक्स तब मांगते हैं जब डिस्पोजल हो जाए और टी अकाउंट में टैक्स गेन आ जाए। टैक्स वाले टैक्स इस पे तब मांगेंगे जब ये सेल होगा, टैक्स वाले रिवेल्यूएशन को नहीं मानते, टैक्स वाले रिवेल्यूएशन को नहीं मानते। और टैक्स वाले इस पे टैक्स कब मांगेंगे?
एक लाइन अगर सवाल में लिखी हो जो कि बहुत ही जबरदस्त लाइन बन जाए, टैक्स अथॉरिटीज ओनली चार्ज टैक्स, बोले ओनली चार्ज टैक्स व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड। ये बात आपने हमेशा अज्यूम करनी है कि यही टैक्स वाले करते हैं। टैक्स वाले सिर्फ कब टैक्स मांगते हैं, जब एसेट पड़े पड़े महंगा हो जाए या एसेट बाजार में बिक के पैसे आ जाएं। तो बजाहिर रीवैल्यूएशन के ऊपर टैक्स वाले टैक्स नहीं मांगेंगे, बजाहिर रीवैल्यूएशन के ऊपर टैक्स वाले टैक्स नहीं मांगेंगे। लेकिन यार मुझे ये बताएं, चलो अभी तो टैक्स वाले टैक्स नहीं मांगेंगे, कर दो इधर, टैक्स अथॉरिटीज ओनली चार्ज टैक्स व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड, ओनली चार्ज टैक्स ऑन गेन, लॉस भी आ सकता है, उस वक्त डिडक्शन लाओ कर देंगे, वो आपको पता है टैक्स वालों के मुताबिक लॉस भी आ जाता है। टैक्स अथॉरिटीज ओनली चार्ज टैक्स ऑन गेन व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, और अभी एसेट मोहतरम बिका नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर बिल फर्ज कल सुबह अगले दिन ये एसेट बिक जाए तो क्या इस पे गेन आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या आज खड़े होके मैं ये जरूर फील करूं कि डेफर करके तो टैक्स देना पड़ सकता है? क्या आज टैक्स मांगेंगे टैक्स वाले या जब कभी बिकेगा? तो डेफर करके टैक्स देना पड़ सकता है या नहीं देना पड़ेगा? भाई आप बातें सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा देखो भी साथ, मुझे पता लग रहा है आप बातें सुन रहे हो, लेकिन देखो भी, क्या आज टैक्स देना पड़ेगा या कल कभी टैक्स देना पड़ेगा? कल कभी टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स डेफर करके देना पड़ेगा। ओके, अब आप मुझे बताएं कि मेरा सरप्लस कितना आया है, 180। अगर कैलकुलेटर पकड़ के बताएं 180 के सरप्लस पे टैक्स कितना बनता है, 180 मल्टीप्लाइड बाय 30%। ये जो 10-12 मिनट है ना क्लास के, ये मेन इंपॉर्टेंट है अभी वाले, 54 आपने टैक्स निकाला है। अच्छा, एक एंट्री है जो मैं करूंगा और बाद में इसको कंबाइन करके एक नेट एंट्री करवाऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए जो है वो मैं आपको एंट्री ना तोड़ के दिखा रहा हूं। जी मोहतरम, कितना सरप्लस हमने ओसीआई में डाल दिया? 180। और क्या एंट्री कर दी है? वो एंट्री मैंने इधर करनी थी लेकिन फिलहाल मैंने उधर कर दिया। एसेट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। इस पे जो टैक्स है, अभी टैक्स वाले इस पे टैक्स मांग लेंगे, अभी टैक्स मांगेंगे या फिर कभी मांगेंगे? अगर फिर कभी मांगेंगे तो मैं अपने आप को टैक्स देने के लिए लायबल फील करूं या एंटाइटल्ड फील करूं? क्यों? प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, तो लायबल फील करूं। कब देना पड़ेगा? जब कभी ये एसेट बिक जाएगा। तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक डेफर टैक्स एक अकाउंटिंग मैयर है जो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर खुशी रिकॉर्ड करे हो, खुशी पे आने वाला टैक्स भी रिकॉर्ड करो। करंट टैक्स में मैं इसलिए डाल सकता कि एफबीआर वाले नहीं मांग रहे, लेकिन डेफर करके मुझे इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं अगर प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करें तो उनके टैक्सेस भी रिकॉर्ड करें। ओके, डेफर करके जो टैक्स देना पड़ेगा किस पे देना पड़ेगा? 180 पे 30% कितना? 54। अब डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट को छोड़ें फिलहाल, फिलहाल हम एसओसीआई की बात कर रहे हैं। एसओसीआई में डेफर टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 54 का। कितना रिकॉर्ड होगा? 54 का। अच्छा लग रहा है 54, डीटी डेबिट हुआ है, मैंने बिल्कुल नेगेटिव साइन सही लगाया। अच्छा लग रहा है 54, क्यों मोहतरम? एक मसला हो गया 54 इधर डालने से। ये जो चीजें हैं ना, ये हैं इनसाइड पीएनएल और ये पड़ा हुआ है आउटसाइड पीएनएल। अब जो मेहमान घर के अंदर आए उनको अंदर बिठा के खाना खिलाएंगे, अब इतने ज्यादा मेहमान आ गए कि आउटसाइड घर बिठाने पड़े, तो अब उनको तो अंदर बुला के नहीं खाना खिला सकते। तो अब मोहतरम क्या करें, मुझे बताएं आप क्या करें? क्या खुशी इधर रिकॉर्ड करें और खुशी पे होने वाला खर्चा अंदर रिकॉर्ड करें, यानी खुशी बाहर और खुशी पे होने वाला गम अंदर? अंदर और बाहर क्या मतलब? ये क्या है? ओ भाई इधर देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इनसाइड पीएनएल। ओ इधर देख, और ये क्या है? आउटसाइड पीएनएल। अब पहले हंस लो, हंस लिया, अच्छा जी। आप बता दें कि प्लीज बी अटेंटिव नाउ, आप बता दें सरप्लस किधर पड़े? आउटसाइड पीएनएल, और उसका एक्सपेंस? चल यार
चल यार छोड़, ओए चले आ नहीं आना आ दो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, जबरदस्त हो गया। क्या हुआ आप जहां पर इनकम रिकॉर्ड की है वहीं पर उसके खर्चे रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा अगर इससे भी ज्यादा अच्छी बात मैं करना चाहूं कि 180 माइनस 54 क्या जवाब आया, 120, यानी यूजर को बताओ खुशी ही 126 की है, यूजर को क्या बताओ खुशी ही 126 की है। ऐसे आपको शायद अजीब सा तो लग रहा हो कि ऊपर तो आप अलग से माइनस करते थे, इधर इस तरह कर देंगे, कोई हर्ज नहीं, खैर है, यूजर को नेट बता दो, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करिए, चल नेट ऑफ टैक्स ये सरप्लस क्या है, नेट, नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ टैक्स। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है कि 180 में से किसको माइनस कर दें, 54 को, चाहे इधर माइनस कर दें या इधर माइनस कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इधर माइनस नहीं करना, क्लियर। तो जहां सरप्लस रिकॉर्ड होगा ओसीआई में वहीं उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। अच्छा अब आप जरा फील करें कि डीटीई को कम करें या सरप्लस को कम करें, हां सरप्लस को कम करना पड़ेगा, जिसको बढ़ाया था उसी को कम करना पड़ेगा। द रीजन इज कि हम यूजर्स को बताएंगे खुशी 180 नहीं है, हर खुशी में इमरान खान का हिस्सा होता है तो थोड़ा सा उसका हिस्सा भी बचता है, तो कट कटा के हमें कितनी खुशी मिलेगी, 126 की खुशी मिलेगी। तो मोहतरम यहां पे जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपके सामने कर देता हूं। इस एंट्री को अगर मैं इस तरह बदल दूं कि डीटी को ब्रैकेट में लेके रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, तो इस सारी एंट्री को करने की बजाय मैं एक नेट एंट्री भी कर सकता हूं। एसेट तो बढ़ाना है 180 से, सरप्लस बढ़ाना कितने से है, सरप्लस कम कितने से करने, नेट सरप्लस कितने से रिकॉर्ड करने, जिसको आप इंट्री क्लास, इसको इससे काटें, जैसे अक्सर होता था इधर सेल माइनस सेल रिटर्न आप लोग लिखते थे तो सर कहते थे कोई नहीं यार इधर ही सेल माइनस सेल रिटर्न करके लिख दो, ठीक है, तो सेल को नेट रिकॉर्ड कर लो। आप बता दें इस एंट्री को अगर मैं इकट्ठा करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, एस डेबिट कितने से, 180, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई कितना ले जाऊं, 180 माइनस 54, 126, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी 54। खर्चे को खर्चों में बुक किया या खर्चे को ओसीआई में कम किया, ओसीआई को बढ़ाया था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्लियर। अच्छा और अगर ये एसेट बिक जाता ना तो फिर आपको पता क्या होता है, फिर ये होता है कि यहां पर इसका गेन आता है और एफबीआर वालों को सीटी में आप इसका टैक्स दे देते हैं, लेकिन अभी ये बिका नहीं है एसेट। तो अगर एसेट बिकता नहीं जैसे कि हमारे सवाल में हुआ है तो हम इसको इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा अब इस एंट्री को ना अलग से देखने की कोशिश करें, एसेट कितने से बढ़ा, इसमें हमारे यूजर्स का कितना हिस्सा, और हुकूमत की तरफ अपने आप को फिलहाल लायबल फील करने लग जाए लेकिन अभी टैक्स देना नहीं है आपने, इसको सीटीपी ना बना दीजिएगा, सीटीपी का मतलब होगा अभी एफबीआर वाले लेने आ जाएंगे, ठीक है। तो एसेट कितने से बढ़ा, 180 से, इसमें कितना हिस्सा हमारा, बाकी कितना हिस्सा हुकूमत का, वो कितना, 54। तो ये एंट्री ड्राइव होगी और ये एंट्री अब मैं यहां लिखने लगा हूं, यकम जुलाई 11। तो किताब में शायद जगह अवेलेबल हो, किताब में आप ये दो एंट्रीज करके ये ड्राइव कर लें, बुक के ऊपर ये वाली एंट्री कर लें, लेकिन जहां नोट्स में नोट कर रहे हैं तो फाइनल वाली एंट्री का वर्जन बताएं क्या बनाएं, प्लान डेबिट कितने से, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में कितना, 126, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी 54। डेरिवेशन बुक पे नोट कर लें और जो एंट्री है दूसरी जो बनी है वो रजिस्टर पे।
अच्छा जी, अब ना हम किया ये करेंगे कि वैसे तो मैंने ये दो कॉलम डालने हैं, इधर देखें ये दो कॉलम डालने हैं, लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए ये पी एंड एल में मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, पी एंड एल थोड़ा सा साइड पे लिखा हुआ है, फर्ज करें इस 180 के ना दो हिस्से कर दिया करेंगे, 180 के दो हिस्से कर दिया करेंगे, 180 को ना 70-30 कर दिया करेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं बोलो, तोड़ो तोड़ो, बोलो तोड़ो तोड़ो, 180 को तोड़ो तोड़ो, ओके तोड़ता तोड़ता हूँ। अच्छा जी बोले जी, 180 का 30% बोले 54, ये डेफर करके हुकूमत को देना है, और इसका 126, ये रिवेल्यूशन सरप्लस ले जाएं कहाँ, बस ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाके पार्क हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। अब 180 क्रेडिट कहीं नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट ये दो अकाउंट हो रहे हैं, एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। लेकिन बेहतर इसमें ये है कि पी एंड एल को तो इधर ही पड़ा रहने दें, दो कॉलम डाल लें, टैक्स और नेट सरप्लस, क्या टैक्स और नेट सरप्लस। अच्छा ये देखिएगा, ये पूरा कॉलम 30% पे पड़ा होगा और ये पूरा कॉलम 70% पे पड़ा होगा, टैक्स ये 30% पे कॉलम पड़ा होगा और ये, लेकिन कॉस्ट वगैरह को ना 30-70 करने लग जाइएगा, ये मोंगी नहीं मानी, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां 30-70 करेंगे, सिर्फ इस कॉलम को 30-70 करना है, रिवेल्यूशन सरप्लस को, इसको 30-70 करा दें, इसका 30% 54 और इसका 70% 126। इसके असरात ये होंगे, इसके असरात ये होंगे, देखिएगा हर चीज का ना असर होता है, साथ वाले की सोबत का असर पड़ा है आप पे, लाहौर आके आपको भी हवा लग गई है ओके इसके असरात ये होंगे कि ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा और ये कॉलम समझ लें एकदम नीचे गिर जाएगा। जब ये कॉलम नीचे गिर जाएगा, क्योंकि थोड़ो थोड़ो, तो ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा, तो इसलिए जब आप एंट्री बोला करेंगे ना पेपर में, बोल दिया करेंगे, कोई नहीं देखी जाएगी, जब आप एंट्री बोला करेंगे ना पेपर में साथ वाले के लिए, तो अस्तगफिरुल्लाह, तो आप बोला करेंगे क्या, एसेट डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई, इस 180 को एंट्री में नहीं बोला करेंगे, क्योंकि इसे ब्रेक कर चुके हैं दो में, तो एक्चुअली ये दो कॉलम, अगर मेरे पास जगह होती तो मैं ऐसे शो करता, ये दो कॉलम, ये दो कॉलम, चलो नीचे से ले आए, ये दो कॉलम असल में सरप्लस के कॉलम को हमने ब्रेक किया, इस वजह से आज के बाद ये एंट्री नहीं बोलनी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, आज के बाद आपने एंट्री बोलनी है एसेट डेबिट डेफर करके टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट और सरप्लस इन प्लांट डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ये एंट्री बना करेंगे और ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा, लेकिन इस कॉलम की एग्जिस्टेंस को हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि इसको ब्रेक करना होता है ना, तो लेकिन जनरल एंट्री करते हुए ये कॉलम अपनी हैसियत लूज कर चुका है, बिकॉज इस जनरल एंट्री को हमने स्प्लिट करके कर दिया। अब मोहतरम एक मिनट, अब जब पेपर में हमें आएगा कि आप बनाओ एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स, तो हमें अब डायरेक्ट पता है एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट, और ये पता है कहां जाने, ये थोड़ी देर में मैं डीटीएल अकाउंट खोलूंगा और यहां प्लांट का लफ्ज लिखूंगा, आज अजीब डीटीएल के अकाउंट में प्लांट का लफ्ज आ रहा होगा, प्लांट डेबिट डीटीएल क्रेडिट, ये थोड़ी देर में डीटीएल का अकाउंट खोलेगा, ये उधर चला जाएगा, और प्लांट के अकाउंट में बोले बोले कितना चला जाएगा, 180, प्लांट डेबिट 180, बोले प्लांट डेबिट 180 डीटीएल, ये तो छोड़े ना, ये तो लूज कर गया, डीटीएल क्रेडिट 54 और सरप्लस इन ओसीआई में, यहां मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी लिख के कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा, मैंने जो पैटर्न बना लिया एंट्रीज का, मैं डायरेक्ट 126 लिख दिया करूंगा, यहां 180 माइनस 54 लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट मैंने सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 126 से कर दिया, तो इसलिए इसको डायरेक्ट पोस्ट करेंगे यहां पर, एसेट डेबिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट खोलूंगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट और प्लांट डेबिट हो रहा है बदले में, एसेट डेबिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट,
चलें जी बता दें तरतीब क्या होगी। बीवी कितनी थी? 450। बीवी को कहाँ ले गए? 630 पे। और इसके साथ क्या लिखा? रीवैल्यूड अमाउंट। और उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बैलेंसिंग क्या आया? 180 को यहां जरूर लिखें, यहां जरूर लिखें। और फिर इस 180 को तोड़ दें दो में। 180 को तोड़ें, 180 × 30% 54, 120। और डीटीएल के अकाउंट में आप 54 पड़ा होगा इस मद में, बाकी भी और कोई रीजन, इस मद में 54 पड़ा होगा और ओसीआई में बैलेंस भी 126 पड़ा होगा। चलेंगे नोट कर लो। और ये जनरल एंट्री भी होगी। अगली एंट्री तो आसान है, उसमें तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं। क्या चीज? डीटीए जब आएगा तब कभी देख लेंगे। ओके अब जी आगे चलें। अभी तो हमने लाइबल फील करें ना, एसेट के ऊपर खुशी आई है, अभी तो लाइबल फील कर रहे हैं। अच्छा जी अब कौन सी डेट डालूं? 30 जून 12 की डेट डालूं? 30 जून 12 की डेट डालूं? कल की क्लास ली थी, ऑनलाइन वालों का दिल चाह रहा है कैमरे से निकल के बोलने के, डिक्शन के सामने डेट लिखे बगैर पहले सोचने कुछ। डेप्रिसिएशन, तो बहुत हम डेप्रिसिएशन बोले। किस प्राइस को खत्म करना है मैंने? 630 के प्राइस को। कितने साल हो गए हैं? एक साल हो गया है। कितने रह गए हैं? 9 साल रह गए हैं। तो डेप्रिसिएशन ओवर 9 years, डेप्रिसिएशन ओवर 9 years। आप कैलकुलेटर पकड़ के 630 को डिवाइड करें 9 पे। ये तो वो कल वाली फिगर्स ही आ रही हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बल्कि अभी तक तो 70 आ गई। इस 70 में आम हालात की बनिस्बत कितनी ज्यादा डिप्शन पड़ी है? 20। तो 180 को भी डिवाइड करें 9 पे। ये करने की जरूरत नहीं होगी, पेपर में ओवर 9 years लिख दिया काफी है। आगे 180 को भी डिवाइड करें 9 पे, क्या जवाब आया? 20। और मोहतरम सरप्लस के कॉलम में जो भी फिगर आ जाएगी उसके तोड़ के दो हिस्से करने पड़ेंगे, उसके तोड़ के दो हिस्से करने पड़ेंगे। द रीजन इज, रीजन सुन लें, असल में ना 61 साल इस्तेमाल हो गया, साल इस्तेमाल होने की वजह से एसेट अपनी वैल्यू लूज कर गया है। अब अगर एसेट बेचेंगे ना तो उतने पैसे नहीं देके जाएगा। अब वो जो हुकूमत की तरफ हम अपने आप को लाइबल फील कर रहे थे ना 54 का, अब वो लाइबल फील नहीं करेंगे 54 का। और अपने यूजर को भी बता देंगे अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसेट अगर इस दिन बिक जाता तो 180 लेके जाता, अब तो साल गुजर चुका एसेट को। तो इसलिए हर चीज कम होगी। हुकूमत की तरफ क्यों नहीं लाइबल फील करेंगे? साल गुजर के एसेट जो है वो बेचारा डेप्रिशिएट कर गया, तो ना हुकूमत की तरफ लाइबल फील करेंगे, ना यूजर्स को बताएंगे कि तुम इतनी उम्मीद रखना कि ये एसेट जाते हुए 126 देके जाएगा। अब ये एसेट जाते हुए 126 देके जाएगा, वो तो किस दिन एसेट 126 देके जाता? अगर यकम जुलाई 11 को ही बिक जाता, हम तो किस दिन खड़े हैं? 30 जून 12। अब तो कहानी ही सारी उलट गई। कहां हुकूमत को डेफर करके 54 देना? 54 कोई नहीं देना होगा, क्योंकि साल गुजर गया और एसेट अपनी कीमत क्या कर गया है। हाँ अगर उसी दिन बेच देते अपना एसेट तो फिर शायद हुकूमत को देना पड़ जाता टैक्स, लेकिन अभी हमें हुकूमत को टैक्स उतना नहीं देना पड़ेगा जितना हमारा अंदाजा था, क्योंकि एसेट की वैल्यू लूज कर गई है, तो एसेट की प्राइस भी मार्केट में कम होगी। ओके तो 30 जून 12 की मैंने डेट डाली है, 30 जून 12 की डेट डाल के इस 20 को तोड़ें। अभी तक नए कॉलम डालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन इस 20 को तोड़ने 20 × 30% 6 और 20 × 70% 14। ना हुकूमत की तरफ लाइबल फील करें 6 की मद में, और ना यूजर्स को बताएं कि इतने खुश होने की जरूरत है, अब तुम्हें 126 नहीं आना क्योंकि ऐसा साल इस्तेमाल हो गया। लेकिन तोड़ना किसको है? 20 को। और इस 20 की एंट्री नहीं करानी आपने मुझे, कोई 6 और 14 की एंट्रीज करानी है, इस 20 की एंट्रीज नहीं करानी। अब इस कॉलम की आज एंट्रीज नहीं होंगी। चलें जी अब वो एंट्रीज नहीं रिटेंड है, इतनी आगे क्यों जाने की जरूरत है? पहले तो ये एंट्री करें ना सादा सी, 70 रुपए की बोलेंगे। डेबिट डेबिट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बताएं जी तारीख 30 जून 2012 एंट्री बोलें विद द अमाउंट ऑफ 70। ओके अच्छा जी अब आप मुझे ये बता दें यार, एक अकाउंट खुलना है डेफर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट, उसमें आना है डेफर टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग। तो जब डेफर एक्सपेंस बैलेंसिंग आएगा ना, तो वहां बैलेंसिंग में ये वाला इंपैक्ट भी कवर हो जाएगा। इसलिए क्लास में अगले 15-20 मिनट के लिए या तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पेंडिंग पे डाल दें, इसकी मैं जनरल एंट्री नहीं करता, क्योंकि डेफर टैक्स अकाउंट जब खुलेगा, पेंडिंग लिखे इसके ऊपर, डेफर टैक्स अकाउंट जब खुलेगा तो डेफर टैक्स अकाउंट में एक फिगर आएगी 6 की, वो मैं आपको शो कर दूंगा कि यार ये वो वाला 6 है। लेकिन वो डेफर टैक्स अकाउंट जरा मुझे खोलने दीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल 6 को पेंडिंग पे डाल दें। अच्छा जी 6 को तो पेंडिंग पे डाल दिया,
कल की क्लास में पढ़ा था डेफिसिट डेबिट अकाउंट डेफिसिट क्रेडिट सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट 26, लेकिन आज की क्लास में बोले डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेफिसिट क्रेडिट सरप्लस डेबिट। यार सरप्लस पढ़ा ही नहीं पूरा हुआ तो सरप्लस में डेबिट कैसे कर दूं फिर 20 से? सरप्लस तो रिकॉर्ड कितने से हुए? 126 से। तो जितने से रिकॉर्ड हुआ उतने से ही उठाना पड़ेगा। तो बोले सरप्लस डेबिट 14 से और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 14 से जी। बोले 30 जून 2012, इसकी एंट्री पेंडिंग पर डाल दें, एंड पे सीटी डीटी की एंट्रीज आएंगी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी जी। बोले एंट्री, लेकिन इधर उसी नहीं लिखना, ये मैंने आपको कल बताया था, रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? 14 से। क्लियर? अब दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें, 30 जून 2012 करंट टैक्स की और 30 जून 2012 डेफर टैक्स की। क्लोज कराएं डब्ल्यू डीवीज। बोले जी डब्ल्यू डीवीज 560 160। इधर जी मोमेंट, चलें जी यहां तक जरा एंट्रीज रिवाइज। इधर देखिए बगैर प्लान डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, चेहरा शरीफ ऊपर रखें, और वार्म अप की एंट्री अभी याद है ग्रीन हाइलाइटर से रिवेल्यूशन सरप्लस वाली जगह को हाईलाइट कर दिया था, तो ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट इसलिए किया था कि वार्म अप की एंट्री याद रहे। अकमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट 50 से, प्लान डेबिट डेफर लाइबिलिटी क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। शुक्र है नंबर ऑफ एंट्रीज सेम रही हैं, कल भी चार की थी, नंबर ऑफ एंट्रीज नहीं बढ़ी, सिर्फ एक एंट्री ने थोड़ा सा तंग किया था, ये वाली एंट्री, बाकी एंट्रीज सेम रही हैं। तो चलें ये लगा शुक्र है, अगला साल आप खुद ट्राई करें, अगले साल में बताने जी एसेट के क्या हालात बने। यकम जुलाई 2012 एक दिन बाद, कुछ लोग एक साल एक दिन बाद की डेट डाल देते हैं, एक दिन बाद एसेट को महंगा कर दें, सस्ता हो रहा है चलें सस्ता कर दें। भाई फरमा रहे हैं बीवी को आसमानों पे ना लेके जाएं। यकम जुलाई 12 जी मोहतरम बुक वैल्यू को कहां पे ले जाएं? 320 पे, 320। क्लियर? आप बता दें जी क्या करना है यकम जुलाई 12। अच्छा एक सेकंड के लिए ना मैं जरा पॉज ले रहा हूं, जो फिगर इधर आई है आप उसके साथ यहां पे आके सोच लें, फिर मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देता हूं, आप खुद सोच लें कि इस फिगर का क्या करना है। अच्छा मैं वैसे अगर एक सजेशन आपको दूं तो वो भी चल सकती है, पेपर में बेशक इधर देखें पेपर में अगर टाइम ना हो ना सोचने का तो पेपर में काम भी हो सकता है, यहां पे मैं लगा दूं लाइन और ये पैटर्न पुराने तरीके से पूरा कर लूं एंड तक, और एंड पे सरप्लस का कॉलम पकड़ूं और धड़ाधड़ 30 70 30 70 30 70 30 70, तो ये भी हो सकता है। यहां तक करना तो कल तक सीख लिया था, पहले ही नीचे तक चले जाएं और फिर पकड़ के सरप्लस को 30 70 30 70 30 70, सरप्लस का पकड़ के आप कर दें। तो पहले मुझे यहां तक पूरा करवा दें, यहां तक पूरा करवाएं जी। रिवैल्यूएशन क्या आया? लॉस आया। 560 वाली कहां पे चली गई? फिगर 320 पे। कितना लॉस आया? 240 का। लेकिन मोहतरम प्लीज 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 इधर मंगा नहीं लेना कोई, अभी कल वाला पैटर्न सामने रखें, कल वाला पैटर्न सामने रखें। कितना गम आया, कितनी खुशियां पड़ी हुई हैं, इतना बड़ा गम आया कि छोटी सी खुशी को खा गया, खा के भी इसका पेट नहीं भरा, तो लॉस रिकॉर्ड कर दे। कितना? 80 का लॉस रिकॉर्ड। ओके अच्छा जी अब मोहतरम इस 160 को तोड़ दें, 80 को नहीं तोड़ने बैठ जाना यार, तोड़ना सिर्फ किस कॉलम को है? जो आउटसाइड पी एंड एल है, जो विदिन पी एंड एल है उसको नहीं छेड़ाछेड़ी को करनी, वो तो ऑलरेडी विदिन पी एंड एल है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी करंट टैक्स वर्किंग्स खोलूंगा हो जाएगा सब मैनेज। पंगा कौन कर रहा है, आउटसाइड पी एंड एल वाली चीज या इनसाइड पी एंड एल वाली चीज? तो आउटसाइड पी एंड एल कितने?
160, पता ना चले आप में से कोई फिरका पैदा हो जाए 80 के आगे तोड़ के दो हिस्से कर रहा हो, दो कॉलम और डाल रहा हो, 80 को तोड़ के दो कॉलम और डाल रहा हो, फिर यही सवाल होगा पेपर में। तो 80 इज ऑलरेडी विद इन पी एंड एल, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। अगेन बात वही वहां जाके रुक गई कि सिर्फ किस कॉलम को तोड़ना है, सरप्लस के कॉलम को। और लॉजिक सुन लें, इमरान खान कहां के 48 यूजर्स, इस तरह हंसते हंसते ना देखो यूजर्स कहां गए 112 900, इधर तो फारग हो गया सब। ये देखें बुक वैल्यू बहुत नीचे चली गई है, तो इमरान खान को भी कोई खुशी नहीं अब रहनी इस हमारे से कि कुछ भी नहीं आना। और यूजर्स को भी इन्फॉर्म कर दें आप कि भाई ये 112 पूरा को पता नहीं क्या हुआ था, एकदम एसेट को एकदम बढ़ गया था और वापस आ गया दोबारा। तो ये हुकूमत कुछ ऐसे वैसे हो रही है, तो आप परेशान ना हो, कभी बढ़ा देती है कभी गिरा देती है, परेशान ना हो। तो पिछले साल कोई और कहानी थी, इस साल कोई और कहानी है। ओके, तो अब मुझे बता दें जी सिर्फ थोड़ो किसको कहने, रिवेलेशन सरप्लस के कॉलम को। तो 160 का 30%, लेकिन 48 इसीलिए आ रहे कि सारा डेफर टैक्स खत्म हो गया, आप अपने डेफर करके कोई टैक्स नहीं देना, बल्कि उल्टा लॉस आ रहा है शायद, लेकिन इसके तोड़ के हिस्से नहीं करने। 48 नीले, तो थोड़ा थोड़ा काला हो गया है, काले के साथ रह रहे के सोबत का असर होता है, रात सोबत का असर होता है। 48 ये जीरो आ गया ना, हुकूमत को कुछ देना। इस 160 पे लगाएं 70%, 112 कितना आ गया, जीरो। अब इस दीवार को गिरा दें। अच्छा, अब आप हजरत काजी साहब पिशावर से आए हैं एंट्री बताने, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, खड़े हो जाएं जी, बिल्कुल चलें, हिम्मत करें। प्लांट क्रेडिट बोलो, बोलो 240 से चलो आगे, कह रहे रिवेलेशन सरप्लस डेबिट 160 से। सुबह का चीख चीख के पुकार पुकार के बाल सफेद हो गए मेरे कि ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर चुका है, ऐसे खड़ा हुआ जैसे पता नहीं। अच्छा चल, प्लांट क्रेडिट खड़ा रहे इसी तरह, मैं भी कर प्लांट क्रेडिट और पी एंड एल डेबिट, डेफर करके जो टैक्स देना था वो खत्म हो गया, डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट। और यूजर्स को भी चपेट मारे जो समझ रहे थे हमें खुशी आएंगे, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, क्लियर। ओके चलें जी, ये एंट्री करते हैं आप। इससे पहले एक वार्म अप की एंट्री होगी, अकाउंट डिडक्शन में 70 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, अकाउंट डिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। बैठो बैठो, अच्छा पहले ही बैठ गया, हाथ धो गया। यार ये क्या कहते हैं, याद कराना 2 मिनट पहले, हम इंशाल्लाह क्लास क्लोज कर देंगे, फिजिकल वालों से कुछ बातें करनी है। ओके, ईयर एंड बोलें राज की बातें, 30 जून 2013। ओके, यकम जुलाई 12। मेरे भाई एक फीलिंग आती है आपको, माशाल्लाह सुना है आपने तो टैक्स भी पास कर लिया है, सर्टिफिकेट लेने वाले थे, एक नंबर जो है वो पीछे रह गया। अच्छा 30 जून 2013 का पहला दिन यकम जुलाई 12 है, यस 30 जून 2013 के साल का पहला दिन यकम जुलाई 12 है, जबरदस्त। लोगों ने रुमाल रखा होता है, यहाँ पे इसने कैलकुलेटर रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है जी बोले, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 70 का। इस एंट्री के जो है ना वो मार्क्स होंगे, इस एंट्री के मार्क्स होंगे, मेरे का लटकना ढक्कन घूम गया, ये रख लो। अच्छा जी, अब आप बताएं जी यकम जुलाई 12 को क्या एंट्री होगी, प्लांट क्रेडिट कितने से, 240 से। भाई ये खांसी के परवेसी वसरात हो जाते हैं कभी कभी, जिन्होंने ऑडिट पढ़ा हुआ है उनसे बात करो, तो अकाउंट स्पेसिफिक रखा करो। अच्छा बोलें जी, प्लांट क्रेडिट कितने से, 240 से, पी एंड एल डेबिट 80 से। अच्छा जी, इमरान खान रो डी टी एल डेबिट कितने, 48 यूजर्स हमारे रो 112 रिवेल्यूशन सरप्लस इन कितना जी 112। काजी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहां बताओ क्या डेट लिखूं, 1/7/12 नहीं मोहतरम, 1/7/12 को आपने बीबी को जमीन के नीचे लेके जाना था, आप लेके चले गए, आप और क्या चाहते हैं आप,
30 जून 13 नहीं लिखेंगे मोहतरम, पहले डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिखेंगे। बैठ जाएं। किस प्राइस को खत्म करना है? 320 को। कितने साल गुजर चुके? मोहतरम आपके लिए एक्शन बनाया हुआ है, देख लें इधर। कितने साल गुजर चुके? दो। कितने रह गए? आठ। तो 320 डिवाइडेड बाय 8 या इसी तरह 80 डिवाइडेड बाय 8 जी क्या आ गया? 40 ओवर 8 इयर्स जी। इधर क्या आ गया? 10। ये पॉजिटिव 10 आए, उल्टाना है, इसकी वजह को जाना देखा करें। अच्छा, और इधर तो वैसे ही कुछ नहीं है, 0-0 पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे ये चीज़ बताएं आप कि कल डिस्कशन हो गई थी हमारी, और कल भी ये 10 ही आया था वैसे, इसकी एंट्री नहीं करनी, तो इसको काट दें, क्रॉस लगा दें, इसकी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन में सस्तापन है, महंगापन नहीं है। इधर डेप्रिसिएशन में महंगापन था इसलिए एंट्री की थी, इधर डेप्रिसिएशन में सस्तापन है इसलिए इसकी एंट्री नहीं करनी। अब एंट्री बता दें, 30 जून 2013 डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन कितने से? 40 से, और फिर ये 30 जून 2013। क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई महंगापन नहीं है जी। 30 जून 2013 अब WDV निकाल लें ताकि फिर सोचें कि बीवी को फिर आसमानों पे लेके जाने या मिट्टी के नीचे लेके जाने बुक वैल्यू को, ठीक है? तो अब पहले बीवी कैलकुलेट कर लें। यार ऐसी बातें ना किया करो, रिस्पेक्ट दिया करो। WDV हम तो बुक वैल्यू बोल रहे होते हैं, आप पता नहीं कहाँ पहुँचे होते हो। बोले 287। ओके आगे बोलें जी, अगला साल कौन सा है? यकम 7 2013। अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए, फिर पहले आप जो है वो पुराने तरीके से पूरा कर लें, फिर बाद में जो है उस कॉलम को ब्रेक कर लीजिएगा। ये मैं लाइन इसलिए हटा रहा हूँ ताकि काजी को धोखा लगे और दोबारा ये इस कॉलम के अंदर आने वाली फिगर की जनरल एंट्री बोले और मैं इसे क्लास से निकाल दूँ। ये लाइन मैं इसलिए मिटा रहा हूँ। ओके चलें जी, यकम जुलाई 13 एक दिन बाद एसेट को रिवैल्यू कर दें। माशाल्लाह प्यार से हाथ फेरें, 560 मिलियन। ये कम जलाए 13, ये कितनी अनप्रिडिक्टेबल है बुक वैल्यू। कभी सॉरी एसेट की प्राइस मैं कहना चाह रहा था, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे, शायद जो मैं समझाना चाह रहा था वही। अच्छा जी, ये कम जलाए 13, इट इज ऑल नॉट स्लिप ऑफ टंग, इट इज ऑल इंटेंशनल। अच्छा जी, रिवैल्यूड अमाउंट 560। नाउ व्हाट इज सरप्लस? देयर इज अ सरप्लस। कल शायद इधर 600 था, कोई मसला नहीं, आज हमने सवाल बदल दिया। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 280। अच्छा जी, पहले ऐसा करें, इन दो कॉलम्स की फिक्र ना करें, इनका फिक्र ना करें। 280 की क्या आ गई है? खुशा। खुशा पहले क्या पड़ी हुई है? गमी। तो खुशा को इस्तेमाल करें गमी के खाने में, खाओ खाओ। अच्छा जी, खा लिया। अच्छा, अब गम खत्म हो गया, लेकिन गम गमी थी, इसका पेट अभी भी नहीं भरा, तो खुशी रिकॉर्ड कर दें कितने की? 210 की। क्या जवाब आ गया? 210। ओके, किसको तोड़ो, किसको तोड़ो, तू तेन तो तोड़ो, बोलो तू तेन तो तोड़ो। गुड। अच्छा जी, 210 ये आउटसाइड PNL है, इनसाइड PNL है, और ये इनसाइड PNL की टेंशन नहीं लेनी, आउटसाइड PNL की टेंशन लेनी है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, सॉरी माजरत, 210 के ब्रेक करके दो हिस्से कर दें। 210 में इमरान खान को दोबारा खुशियाँ चढ़ गई कुछ ही। चढ़ना क्या होता है? 210 से ज़रा 30% जी बोलें 60, और यूजर को भी खुशियाँ चढ़ गई। 210 इंटू वो आते आते किधर है? आज नहीं आया। 210 इंटू 70% 147। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे जाएं, काजी साहब से हम फरमाएंगे इधर आए स्टेज पे और जनरल एंट्री करें। स्टेज पे आके जनरल एंट्री बताएं। हाँ हाँ, जल्दी आए। अब ये सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन में पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अच्छा जी, काजी साहब आपने ये फरमाना है यहाँ पे, ना ना ना, यहाँ पे एंट्री क्या होगी? डंके की चोट पे इनको जवाब दो।
यहाँ यहाँ पे एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन सारी रिवर्स करें, जनरल एंट्री बोले डेप्रिसिएशन, नहीं नहीं पूरी डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट accumulated depreciation, depreciation debit plant credit, plant credit, okay. Year end season 2000 और तारीख क्या लिखेंगे? जख्म जलाए 13, थोड़ा सा इधर हूँ इससे करीब, ठीक है अक्का। कितने डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है और कितने से? ओह मैन, गहरी बात कर दी, मैं भी इंसान होती निकल आती हूँ क्या। अच्छा जी मोहतरम, आप यकम जुलाई 13 को दीवारें हटा दें और अब आप मुझे बताएं क्या एंट्री होगी? प्लान डेबिट कितने से? 280। कितने से? 210 से। चले जाएं आप, माशाल्लाह, वेल डन। अच्छा काजी भाई, ये कॉलम जो है ना एग्जिस्टेंस लूज कर जाता है। कोई नहीं, डेट वॉज स्लिप ऑफ टंग, इतने बड़े मजमे के सामने जो है वो कुछ। अच्छा जी बोले जी, प्लांट डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। प्लांट डेबिट 280, P&L क्रेडिट 70, DTL 63 और सरप्लस इन OCI 147। ओके इन द एंड डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। भाई आपको सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे आप क्लास पढ़ा रहे हो। ओके लेट इट बी, लेट इट बी, एंजॉय करने दो इसको। 30 जून 2014। काजी साहब, भाई साहब इस पे रोशनी डालें, इस पे नहीं नहीं इस पे रोशनी डालें। मैंने क्या किया? ये डेप्रिसिएशन लिखूं इधर और फिलहाल इसको मिटा दें, क्योंकि डेप्रिसिएशन के सामने डेट लिखेंगे कंफ्यूजन आ सकती है। पहले आप लॉस लिखें डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का लॉस आपने लिख दिया। अब आप बताएं किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है? 560 को। कितने साल गुजर चुके हैं? 30 जून 2011 30 जून 2012 30 जून 2013 तीन साल गुजर चुके हैं, तो टोटल कितने हैं? 10। तो बकाया कितने रह गए? 7। 560 डिवाइड बाय 7 80। कितना? 80। और 80 में ना 30 की डिफरेंस ज्यादा पड़ी है, तो 80 में जो 30 की डिफरेंस ज्यादा पड़ी है वो यहां पे आप ले आए 30, और फिर 30 के दो हिस्से कर दें या फिर इनको भी आप 9 से 7 से डिवाइड कर दें तो वही जवाब आएगा। बेशक दीवार लगा के, दीवार नहीं इधर, बेशक दीवार लगा के पहले ये पूरी कर लिया, अब इस 30 के ब्रेक करके दो हिस्से कर लें। गंदी मचल जी, बताएं जी 30 × 30% कितना? 9 21। सो इट इज ओवर फ्रॉम माय साइड। यहां तक 30 जून 2014 तक बात खत्म हो गई, और 30 जून 2014 को क्या निकाल दें? WDV 480 180 54 126। अच्छा जी एंट्री बताएं 80 रुपए की, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन, और ये जगह भी तैयार है एंट्री के लिए। कितने से? 80 से। नेक्स्ट इस 30 की एंट्री काजी बताएं, खड़े जी, काजी खड़े जी, इस 30 की एंट्री बताएं, जैसे कि थी रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट, सो इस 30 की एंट्री बताएं। इसकी नहीं है, जान दे दूंगा इस कॉलम की एंट्री नहीं करूंगा, पेपर में बैठ जाए, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंटेशन क्रेडिट। अच्छा ये जो 30 है ये मेंटल डेप्रिसिएशन है या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है? ये टोटल डेप्रिसिएशन का मेंटल पन है,
यानी ज्यादा डेप्रिसिएशन है 30। इस 30 के दो हिस्से किए हैं 9 और 21। ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के दो हिस्से किए थे, इसमें एक एंट्री को आप पेंडिंग छोड़ दें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट बनने तक, दैट इज कॉल्ड एज दिस 9। इसको फिलहाल पेंडिंग छोड़ दें। आप एंट्री बता दें 80 रुपए की डेप्रिसिएशन डेबिट, इस 30 के तोड़ के 9 और 21 दो हिस्से कर दिए, इस 21 की एंट्री रिलेशन सरप्लस डेबिट। रिवेल्यूएशन सरप्लस ओसी नहीं साथ लिखना, कितने से 21। दो एंट्रीज की जगह साथ साथ छोड़ते जाने हर साल, सीटी और डीटी की साथ साल ने देखे नहीं छोड़ी बेचारे ने, हर साल में दो एंट्रीज की जगह छोड़नी थी। किस किसने नहीं छोड़ी जगह वो खुद नहीं बताएगा, साथ साल बताएगा उसके। अच्छा किसने एंट्रीज इस पैटर्न पे नोट किया आमने सामने, ये कौन सी एंट्री है वार्म अप की, मैं बोल ये कौन सी एंट्री है, ये किसकी रिवेल्यूएशन की, ये किसकी डेप्रिसिएशन में महंगापन पड़ा हुआ है, 50 रुपए बेसिक है महंगापन पड़ा हुआ है, सुस्ता नहीं बोलो सस्ता, सुस्ता कोई फल बना दिया नहीं यार सुस्ता। अच्छा ये डेप्रिसिएशन में महंगापन पड़ा हुआ है इसलिए इसकी एंट्री होगी जी। क्या चीज, हाँ मैं मशवरा इसलिए दिया था कि डेप्रिसिएशन की तारीख इधर इसलिए ना लिखा करें, कई दफ़ा रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए आने वाले दिनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो डेप्रिसिएशन की तारीख लिखे बिना सोचे कि किस प्राइस पर डेप्रिशिएट करना है, बोलो 560 को, ये प्राइस किस दिन मुझे नज़र आ रही है, एसेट का खरीद है तो 30 जून 2011, 30 जून 2012, 30 जून 2013 कितने साल इस्तेमाल हो चुके हैं, 3 साल, तो कितने बकाया साल रह गए, 7 साल। अब 7 साल आपने जब लिख लिया तो डेट जहाँ जो मर्जी अब लिखो वो आपकी मर्जी है, तो डेट लिखे बगैर जरा पहले सोच लेना होता है किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है ताकि रिमेनिंग लाइफ सही निकल आए। ओके अच्छा जी, अब हम मूव करने लगे हैं करंट टैक्स और डेफर टैक्स की वर्किंग्स की तरफ, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा सवाल को मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और किधर डिस्टर्ब, अगर आप पेपर में इस तरह भी कर देंगे, इस तरह भी कर देंगे तो कोई अरज नहीं। अच्छा 500 कितना डेप्रिशिएट हुआ, अब आपने इंश्योर करना है अपने बारे में, साथ वाले के बारे में कि उसका बूथा और आंखें इधर रहे, WDB मोबाइल यूज नहीं करने देना उसे, WDB कितनी आ गई 450, मैं भी दीवार खड़ी कर देता हूँ, मैं भी दीवार खड़ी कर देता हूँ। ओके बता दें जी 450 वाला एसेट कितने का हो गया 630 का, खुशी कितनी आई 180, ये अनरियलाइज्ड खुशी है, इसको यहाँ पे शो कर दें। आगे चलें, अब हमारे एसेट को डेप्रिशिएट करना है, 10 सालों पे किया था आप 9 सालों पे करेंगे, तो 630 / 9 = 70। अब समझते नहीं जरा, डेप्रिसिएशन में महंगापन कितना पड़ा हुआ है 20 का, उसको 180 / 9 करके भी चेक कर लें 20 जी 560 160, अभी टेंशन ही नहीं लेनी इमरान खान की और यूजर की टेंशन नहीं लेनी। ओके आगे आप बताएं जी 560 किस पे चला गया, 320 पे चला गया, तो 560 वाली चीज 320 पे चली जाए तो नुकसान 240, इस नुकसान को पहले इस्तेमाल करें खुशी खाने में, अगर फिर भी नुकसान बच जाए तो उसे P&L में डाल दें 80। नेक्स्ट देखते रहें ऊपर, आप 320 को 8 सालों पर डेप्रिशिएट करना है, क्या जवाब आया 40। अब डेप्रिसिएशन में सस्तापन कितना है 10, ये पॉजिटिव साइन से लिखा करना है, डेप्रिसिएशन में सस्तापन कितना है, लेकिन जो सस्तापन है उसकी आपने जनरल एंट्री नहीं करनी। ओके लेकिन शो करना है जरूर, क्या जवाब आ गया 280 70। ओके अब हमारा एसेट कितने का हो गया 560 का हो गया, आप बता दें कितनी खुशी आई, पहले कोई गम पड़ा हुआ है 70 का, इसे खत्म करें और बाकी खुशी रिकॉर्ड करें 210। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 560 / 7 = 80, आम हालात की डेप्रिसिएशन 50, खास हालात की 80, ज्यादा डेप्रिसिएशन 30 बढ़ी हुई
480 और 180. अब सिर्फ आपने किस कॉलम के दो हिस्से करने हैं, जो आउटसाइड पीएनएल है. आउटसाइड पीएनएल कौन सा कॉलम है? अब इसलिए इन फिगर्स की टेंशन नहीं लेनी, इन फिगर्स की टेंशन लेनी है. तो 180 को 30-70 कर दें, 54 126, और ये एज इट इज टोटल्स आ जाएंगे. आप 20 को पकड़ें और दो हिस्से करें, 2 3 बार 6, साइन वही यूज करना है जो यहाँ यूज किया है. 14 112. ओके, अब आप पकड़ें 160 को और 160 को 30% करें. क्या जवाब आया? 48. असल में ना देखें, जब ये सारा खत्म हो गया 160, तो यही 160 टूट के इधर पड़ा हुआ है, तो ये सारा खत्म हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज हमारा कितना आ रहा है जी? 210. तो 210 को पकड़ें और 210 के पकड़ के दो हिस्से कर दें, 60 147, और 63 और 147. इन द एंड 30 21 54 126. गिरा दें, दीवार गिरा दें बेटा. ना करो नहीं अबू, ये दीवार गिराने दे मुझे अबू. अच्छा, अब मोहतरम दो चीज़ों को अभी तक के लिए नहीं, बेशक क्यामत तक के लिए पेंडिंग कर दें इनको. इनकी एंट्री नहीं करनी, डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट खुलेगा उसमें इनकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी. वो दो क्या हैं? डिप्रिसिएशन में जब ज़्यादा डिप्रिसिएशन पड़ी होगी तो ये वाला एक फिगर आएगी, इसकी तो एंट्री करनी है ना. डेप्सन डेबिट अकाउंट डेप्सन क्रेडिट, सुने कोर से, इसकी एंट्री करनी है. डेप्सन डेबिट अकाउंट डेप्सन, इसके तोड़ के दो हिस्से हो गए. इसकी एंट्री हमने की थी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, तो इस 6 को रहने दें. और कहीं ढूंढें डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 30 पड़ी हुई है. डेप्सन में एक्स्ट्रा डेप्सन कितनी पड़ी हुई है? 30. तो 30 तो यहां आ गया, 30 को तोड़ के जब 9 और 21 किया तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो टैक्स इफेक्ट है उसको आप पेंडिंग कर दें. इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट उसको पेंडिंग कर दें. तो दो पेंडिंग हमने कर दिए. पेंडिंग का मतलब इनकी एंट्री नहीं करनी, इनकी भी और क्रॉस वाले की भी एंट्री नहीं करनी. ओके, यहां तक. अब अगर मैं डिस्कशन अपनी क्लोज करूं और सिर्फ अभी मैं आपके सामने डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाऊं, तो डेफर टैक्स का टी अकाउंट किस तरीके से बनेगा वो अब आपने देखना है. मुझे बता दें कैरिंग अमाउंट. हाँ, जनरल एंट्रीज रिवाइज कर लें दफा पहले, माजरत में डेफर टैक्स की तरफ निकलेगा. जनरल एंट्रीज रिवाइज कर लें. बोलें जी, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट क्रेडिट. हवाई एंट्री करनी है क्योंकि सरप्लस आ रहा है. रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट, रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट, सॉरी अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट 50. प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट, कुछ नहीं देख रहे हो ऊपर से ज्यादा. प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट, कुछ देख रहे हैं, होंठ नहीं हिला रहे. अच्छा, ये बोलें डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, कुछ होंठ भी हिला रहे हैं लेकिन मेरे होंठों के हिलने के बाद हिला रहे हैं, मैच नहीं करा साथ. डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, इसकी एंट्री छोड़ें. रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, लेकिन इसका तो सी नहीं लिखना इस एंट्री के साथ. और कुछ ज्यादा इधर देख रहे हैं. रिवेल्यूशन की एंट्री से पहले वार्म अप की एंट्री, अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 70 से. प्लांट क्रेडिट पी एंड एल डेबिट सरप्लस, सॉरी डीटीएल डेबिट और सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट. डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन इसको छोड़ें. अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 40 से. प्लांट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट. ओसीआई लिखा हुआ है हर जगह, हाँ लिखा हुआ है. डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट. इसमें यार ये एंट्री इसमें कल बताया था, ओसीआई नहीं आएगा. ये ना डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाके एंट्री होती है, लेकिन वेट कर लो फाइनल अकाउंट का. अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि टैक्स वाले किस तरह डेप्रिशिएट कर रहे हैं. टैक्स वाले किस तरह डेप्रिशिएट कर रहे हैं? 10 सालों पे. कौन डेप्रिशिएट कर रहा है 10 सालों पे? टैक्स वाले. कैलकुलेटर पकड़े बगैर, कैलकुलेटर पकड़े बगैर एसेट कितने के? ऊपर सुन के ये भी ऊपर चला गया. एसेट कितने के? 500. कितने सालों पे डेप्रिशिएट करने? तो 500 डिवाइडेड बाय 10, एक साल के डेप्रिशिएशन 50. तो 500 पहले साल के एंड पे कितने पे आ जाएगा? 450 पे. दूसरे साल के एंड पे 400. तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे 300. तो ये टैक्स बेस है, ये टैक्स बेस है.
ये यकम जुलाई 10 है तो ये 30/11 की टैक्स डब्ल्यू डी वी, ये 30/12 टैक्स वालों की डब्ल्यू डी वी आपने कॉस्ट की बुनियाद पे क्यों निकाली है, मार्केट वैल्यूज लेके क्यों नहीं निकाली, क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को सदाबहार रूल है ये नहीं मानते। ये नहीं होगा कुछ दिनों बाद मैं जाके कह रहा हूँ, जैसे एक दफा मैंने कहा था टैक्स वाले कभी कभी अक्रूअल अकाउंटिंग मान लेते हैं, तो ये सदाबहार रूल है, मैं चंद दिनों बाद जाके ये नहीं कह रहा हूँ टैक्स वाले कभी कभी रिवैल्यूएशन को मान लेते हैं, वो बड़े अजीब है, कभी नहीं रिवैल्यूएशन को, वो कभी नहीं रिवैल्यूएशन को मानते। क्लियर? अब आप मुझे बता दें DTL/DTA, ये तो 4 साल होगा ना पेपर में, तो इतना लंबा मेरा ही खाको 4 साल होगा, आपको सवाल आएगा, आ भी गया तो कोई मसला नहीं। बहरहाल DTL/DTA की वर्किंग जो मैंने करनी है वो कितने सालों पे करनी है, 4 सालों पे। वो कितने सालों पे करनी है, 4 सालों पे। अब अगर मैं वर्किंग खोलूं तो ये वर्किंग बनेगी वर्किंग नंबर 2, क्योंकि ये मेरी कौन सी वर्किंग है, वर्किंग नंबर टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन, जरा छोड़ दें एज ऑन, अगर पागलों की तरह मैंने लिखना तो वो पागल हो जाएंगे हम। DTL/A एज ऑन 30/11, DTL/A एज ऑन 30/12, DTL/A एज ऑन 30/13, DTL/A एज ऑन 30/14। तो आज आपसे मैं इजाजत लेने लगा हूँ इस बात की कि मैं 4 सालों को अलग अलग ट्रीट करने की बजाय, मुझे पता है आइटम एक ही है सिर्फ पीपी, तो इसलिए 4 सालों की अलग वर्किंग खोलने की बजाय 4 सालों की एक ही वर्किंग मैं खोल लेता हूँ इधर, क्योंकि मेरा आइटम कौन सा है, पीपी। पहले किस दिन खड़ा होकर सोचूं, 30/11 को, फिर किस दिन खड़ा होकर सोचूं, 30/12, फिर किस दिन खड़ा होकर सोचूं, फिर किस दिन बैठ के सोचूं, 30/14। CA मोहतरम, प्लांट को टीबी होता है, बिल्कुल हो जाता है, प्लांट को टीबी हो जाता है, टैक्स बेस, डिफेंस और टैक्स। चलें जी, कैरिंग अमाउंट्स आपने मुझे बतानी है 30/11 की 450 ब्लैक मार्कर का एंड देखें 450 पे हो रहा है, अगले साल का एंड 5, असल में ना रिवैल्यू साल के शुरू में हो जाता है, इसलिए साल के एंड पे तो डब्ल्यू डी बी नजर आएगी ना, 560, फिर 280, ये काउंटिंग डब्ल्यू डी बीज हैं, 480, ये कैरिंग अमाउंट्स आ गई 4 सालों में, 450 560 280 480 480। बड़े अजीब तरीके से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कभी आसमानों पे चला जाता है, कभी जमीन के तले चला जाता है, लेकिन टैक्स वाले बड़े कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और वो रिवैल्यूएशन को मान ही नहीं रहे। तो कितने का एसेट खरीदा था, 500 का, पहले साल के एंड पे कितने का रह गया होगा, दूसरे साल, तीसरे साल, 350 तो 350 350 क्यों, 350। ओके, अब मोहतरम सीधा दाल, दाल कहते हैं इसे आप लोग, तो ये बराबर है सीधा दाल, और ये लेस है बोले ये लेस है और ये ग्रेटर है। तो आप रूल मुझे बता दें क्या है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, इधर एसेट की बेचारे की जान निकल गई थी, कि इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। तो अब रूल्स लगाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, रूल 1 और रूल 2 आ जाके मुझे तो पेपर में भी आप लोगों ने रूल ही लगाने हैं ओके अच्छा जी, 160 लगाएं, ये रेट लगाएं 48 20 क्या है 54 डीटी क्या है मोहतरम इधर खड़े हो आप, हाँ आप बताएं जी डीटीएल के गांव से कितने आए, उतार ले बंदा जूता और पहने ना और इतना मारे उन लोगों को जो इनका टोटल कर रहे हैं। ये हजरात एक साल नहीं है कि पीपी ग्रेचुटी और अन रेंटल इनकम पड़ी हुई है,
वो जो बात मैंने शुरू में की थी, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ, वो इजाजत इसी वजह से आपसे ली थी कि मैं तू कैलकुलेटर भी फड़ लिया सी बैठ जाओ, वो ज्यादा शुरू में इसलिए ली थी कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 30 जून 2011 अलग वर्किंग है, एज ऑन 30 जून 2012 अलग वर्किंग है, तो इसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इसका टोटल पता नहीं क्या होगा, वो टोटल का पेट्रोल पंप भी बंद होगा और कुछ भी नहीं होना, तो इसका टोटल कुछ भी नहीं होगा। ओके अब मोहतरम जी आपके लिए आज इतना बड़ा टी अकाउंट वर्किंग नंबर 3, अभी हौसला और हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह हमने करंट टैक्स भी कैलकुलेट करना है अगली क्लास में और फिर उसके बाद नोट भी बनाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, अब आगे चीजें सारी आसान है। डेफर टैक्स, हाँ बस लाइबिलिटी स्लैश एसेट, इसके कैरी डाउन्स मैं लिख देता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में चीजें रिज्यूम करेंगे। तो कैरी डाउन्स ना 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 यार, यकम जुलाई 10 से मुझे शुरू करवाएं, ऐसे ना करें, यकम जुलाई 10 से मुझे शुरू करवाएं, यकम जुलाई 10 को तो ये ऐसे खरीदा ही, 30 जून 2010 को तो ये ऐसे था ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए यकम जुलाई 10 से मुझे शुरू करवाएं, एक साल का अकाउंट मिस ना करवाइएगा, जिस मर्जी साइड पर लिख लें वो आपकी मर्जी है, अब पता ही नहीं, जिस मर्जी साइड पर लिख लें, यकम जुलाई 10 ब्रॉड डाउन 0, 30 जून 2011 जिस मर्जी साइड पर लिख लें कोई मसला नहीं, जिस मर्जी साइड पर लिख लें, कैरी डाउन 0, क्लियर। अच्छा ये कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन ना बनाएगी क्लास में बना लेंगे, फिलहाल सिर्फ कैरी डाउन लिखवा दें, कैरी डाउन 48, अभी ब्रॉड डाउन छोड़ें, अगली क्लास में लिख लेंगे, टीचर को कहेंगे कि सारा सवाल दोबारा नोट कर ले अगली क्लास से पहले, दूसरी साइड पे एसेट आ रहा है 30 जून, अब मुझे ये सोच सोच के होल उठ रहे थे, सारा नोट करना पड़ेगा अगली क्लास से पहले जी, 30 जून 2013 21 और 30 जून 2014 54 लाइबिलिटी कैरी डाउन कितना 54। हाँ इसकी तस्वीर तो ले लेते हैं अभी, ठीक है यार क्लोज करें, इंशाल्लाह होमवर्क कोई नहीं है, तो होमवर्क कल के लेक्चर में इकट्ठा ही दूंगा, यानी अगले लेक्चर जो भी है उसमें इकट्ठा ही दूंगा, क्लोज करें।